सिटी अपडेट के प्रायोजक हैं पीसी ज्वेलर्स, ज्वेलर्स फॉर जनरेशन। डॉलर के मुकाबले जिस तरह से आज रुपए में कुछ रिकवरी देखने को मिली है, उससे खाने के तेलों में गिरावट आ चुकी है। एमसीएक्स पर क्रूड पाम तेल का दाम करीब 1% तक गिर गया है। ऐसे में इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी। नवनीत, स्वागत है आपका। सर, करेंसी के सहारे ही पाम तेल में तेजी आई थी, अब गिरावट पर भी इसमें क्या करना चाहिए, क्या और गिरावट देख रहे हैं, यहाँ पर सेल करने की सलाह होगी? गुड आफ्टरनून जी। सीपीओ ने हमें बहुत अच्छी रैली देखी है, 455 लेवल से 515 लेवल तक। अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि आज रूपी में एक अच्छा अप्रिसिएशन दिख रहा है, बट रणनीति में कोई चेंज नहीं है। अभी भी हमें तेजी बरकरार लगती है। वी एडवाइस की नीचे में 506-504 के लेवल पे सीपीओ बाय करना चाहिए, टारगेटिंग 510-514 लेवल्स और 499 के स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है सीटीओ में, यहाँ पर क्रूड पाम तेल का खरीद कर चलिए। 504 का यहाँ पर प्राइस है, 514-515 का टारगेट देख रहे हैं, 499 पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन बाजारों का हाल में वक्त हो चुका है ब्रेक लेने का, आगे लेकर आ रहे हैं बिजनेस लंच।